हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी बेसिक यूनिट है उसको स्टार्ट कर रखा है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने अलजेब्रा यानी कि बहुपदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, सामान्य सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। और उसके बाद मैंने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में मैंने आपको कोण के मात्रकों के बारे में, जैसे एक मात्रक होता है रेडियन और दूसरा मात्रक क्या होता है अपना डिग्री, रेडियन और डिग्री का रिलेशन बताया था और कुछ एक एग्जांपल दिए थे जो लगभग स्टूडेंट्स ने मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम उसी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को थोड़ा आगे और एक्सपेंड करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स एंड इट्स यूज, और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय चतुर्थांश और उनके उपयोग। ठीक है बात। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। क्या टॉपिक है हमारा? क्वाड्रेंट्स। हिंदी का आप बोले तो इसको चतुर्थांश। अब ये क्वाड्रेंट्स है क्या चीज, चतुर्थांश है क्या चीज? मान लो कि मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और दूसरा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और दोनों एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, लंबवत काटते हैं इस पॉइंट पर। तो इनके लंबवत काटने से जो एक प्लेन होता है, ये प्लेन अलग अलग चार प्लेन्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब चार इसके सेगमेंट बन जाते हैं। एक इसका फर्स्ट सेगमेंट बन जाता है, एक इसका सेकंड नंबर सेगमेंट बन जाता है, उसी प्रकार से इसका थर्ड नंबर ये वाला सेगमेंट बन जाता है, और एक इसका फोर्थ नंबर सेगमेंट बन जाता है ये वाला। तो इन्हीं सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स या चतुर्थांश बोलते हैं। परिभाषित इसको करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटे तो वो समतल अलग अलग प्रकार के चार तलों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वो भी चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है बात है। अब देखिए आप लोग, यहां पर मैंने आपको एंगल बताया था कितने डिग्री होता है, जीरो डिग्री। यहां से यदि चलना स्टार्ट करें, उसके बाद यदि हम लोग ऐसे बढ़े घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़े, तो जीरो के बाद वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, फोर डिग्री, फाइव डिग्री, और यहाँ पर आकर के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यदि इसको रेडियन में लिखना चाहें तो पाई बटा वो रेडियन इस प्रकार से। और यहाँ पर यदि इस लाइन पर हम लोग पहुँच जाए तो यहाँ पर डिग्री क्या होता है, वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, या इसको रेडियन में लिखें तो इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी प्रकार से इस नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो एंगल बनता है वो होता है 270 डिग्री, या इसको हम लोग पाई के रेडियन में कन्वर्ट करें तो 3π/2 रेडियन। और फिर वापस जब एक सर्कल कंप्लीट होकर पहुंचेंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री, 360 डिग्री, और रेडियन में इसको कितना लिखते हैं हम लोग, 2π लिखते हैं। ठीक है जी। तो इनको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। अब पहले चतुर्थांश की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, पहला चतुर्थांश है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, दूसरा चतुर्थांश है 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, तीसरा चतुर्थांश हमारा है 180 डिग्री से 270 तक, और चार नंबर चतुर्थांश है 270 से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है बात। अब इनके यूज क्या है उस पर आप लोग विचार करें। यूज से पहले आप लोग एक यहाँ पर कोण लिखें, जैसे इसको बोलते हैं ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, थर्ड क्वाड्रेंट में टी, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है हमारे पास एस। मतलब अगर इसको पूरा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए सी टी एस। क्या चीज हम लिखे हमने, ए सी टी एस। अब ए का जो मीन है, ए का मीन आप लोग देखें क्या है, ए का हमारे पास मीन है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के सारे। और जो सी है, सी का मतलब है हमारे पास कॉस थीटा, सी का क्या मतलब है, कॉस थीटा। उसी प्रकार से जो टी है, टी का मतलब हमारे पास क्या है, टेन थीटा, और एस का मतलब हमारे पास क्या है, साइन थीटा। अब इनके मतलब क्या है, हमने ये क्यों लिखे हैं, इनका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए मतलब ऑल, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सारे के सारे कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे।
उसी प्रकार से यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, s, s का मतलब होता है साइन, और साइन का यदि हम लोग व्युत्क्रम देखें तो व्युत्क्रम इसका क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, इसका व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक थीटा। तो इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, इसमें ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा ये तो रहेंगे इसमें पॉजिटिव, और बाकी जो सारे हैं वो क्या रहेंगे नेगेटिव, मतलब tan भी नेगेटिव, cot भी नेगेटिव, sec भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में t लिखा हुआ है, t का मतलब है tan, और tan का यदि आप व्युत्क्रम देखो तो tan का व्युत्क्रम क्या आता है हमारे पास cot थीटा, cot थीटा। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा ये तो हमारे पास क्या रहेंगे धनात्मक, और बाकी जो चार बच गए वो इसमें क्या रहेंगे क्वाड्रेंट में ऋणात्मक रहेंगे। उसी प्रकार से चार नंबर क्वाड्रेंट में बात करें तो सी लिखा हुआ है, सी का मतलब क्या चीज cos, और cos का हम यदि व्युत्क्रम देखें तो cos का व्युत्क्रम होता है sec थीटा। इसका मतलब फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा ये तो क्या रहते हैं हमारे धनात्मक रहते हैं, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बच गए वो क्या रहेंगे हमारे ऋणात्मक रहेंगे। ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब इनका उपयोग देखते हैं अपने क्या कर सकते हैं इनकी हेल्प से। ये आपको इसीलिए लिखवाया है क्योंकि 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैथमेटिक्स में, वो आपने पढ़ा था कि जैसे साइन 45 की वैल्यू निकाल दी, साइन जैसे अगर आपको कहा हुआ है कि साइन 65 हो गया इसकी वैल्यू निकाल ली, है ना, टेन 15 डिग्री इसकी वैल्यू निकाल ली। आपके ये वाले एंगल थे कौन सी क्लास में, 10th क्लास में, मतलब 10th क्लास में ये जो एंगल थे ना थीटा एंगल थे ये सारे के सारे 90 डिग्री से क्या थे, कम थे। 90 डिग्री से यदि कम थे तो इनके मान अपने पास आ जाते थे, हमारे पास एक सारणी थी उस सारणी से हम इनके मान क्या कर लेते थे, लिख लेते थे। बट यदि ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब हम इनके मान निकालते हैं, तब हमें किसका यूज करना पड़ता है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करना पड़ता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, एग्जाम्पल इसका ये है, सपोज दैट मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन 120 डिग्री, मेरे को इसका मान ज्ञात करना है कि साइन 120 डिग्री कितना होगा। देख रहे हो ना कितना एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, 120 डिग्री। आपके 10th तक थे वो 90 से कम थे, 90 से कम वाले एंगल थे तो आप डायरेक्ट सारणी से मान पिक कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, साइन 120 डिग्री इसको सॉल्व करने के लिए देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा। साइन 120 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90, 90 में मैं कितने जोड़ दूँ कि 120 बन जाए, तो आपका आंसर होगा कि 30 जोड़ने पर क्या बन जाते हैं, 120 बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो साइन 120 डिग्री है वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा साइन 90 प्लस 30 डिग्री, इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देना आपको, साइन 90 प्लस थीटा, 10th क्लास में माइनस वाले थे इसमें प्लस वाले दिया गया, ये हमारा एक फॉर्मूला है साइन 90 प्लस थीटा ये बराबर किसके होता है, कॉस ऑफ थीटा के। ठीक है, अब आप इसको देखें, साइन की जगह साइन, 90 की जगह 90 बढ़ाए तो थीटा का मान कितना हुआ, 30 डिग्री। तो आप लोग साइन 90 प्लस 30 डिग्री को किसके बराबर लिख सकते हो, कॉस 30 डिग्री के बराबर लिख सकते हो, किसके बराबर लिख सकते हो, कॉस 30 डिग्री के बराबर लिख सकते हो। अब आप देखो कॉस क्या देखें, आप लोग कॉस, कॉस 30 का मान आपको पता है सारणी से कितना होता है, अंडर रूट 3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है सारणी से, अंडर रूट 3/2। लेकिन ये वाला जो एंगल था ना हमारा 120 डिग्री, ये जो हमारा थीटा था 120 डिग्री, ये थीटा 90 से तो बड़ा था और 180 से छोटा है, आपको ये दिख रहा होगा
कि जो 120 है वो 90 और 180 के बीच में कहीं आएगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है हमारा थीटा? हमारा थीटा है सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में। और सेकंड में केवल पॉजिटिव कौन-कौन से होते हैं? साइन पॉजिटिव होता है, कोसाइन पॉजिटिव होता है। लेकिन कोस हमारा क्या आएगा इस क्वाड्रेंट में? नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव का चिन्ह यहां पर आप लोग लगा दो। तो साइन 120 डिग्री का मान आपको कितना मिलेगा? -√3/2। ये इसका करने का प्रोसेस है, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है जी, अब कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको खुद को करने के लिए दे रहा हूं। आपको जो प्रैक्टिस करना है घर पे, वो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, ठीक है भाई। और फिर आपको सेकंड नंबर दे रहा हूं, साइन 135 डिग्री। और थर्ड नंबर दे रहा हूं आपको कोस 135 डिग्री, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, और फॉर्मूला आपको मैं एक और बता देता हूँ। जैसे एक तो फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, साइन 90 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये कॉस थीटा के बराबर होता है। बट यदि हम लोग कॉस 90 प्लस थीटा निकालें, कॉस 90 प्लस थीटा निकालें, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ साइन थीटा आता है। कितना आता है? नेगेटिव ऑफ साइन है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनका यूज भी हो सकता है दोनों में, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए घर से, खुद प्रैक्टिस करके आप मेरे को इनके आंसर भेज दोगे व्हाट्सएप पर, या मेरे को आप कमेंट में बता देना कि इनके आंसर कितने आने वाले हैं, ठीक है भाई। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का ही एक अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं साइन थीटा का ग्राफ। हमको दो ग्राफ की जरूरत पड़ेगी पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस में। पूरे फिजिक्स के सिलेबस में कितने ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी? दो ग्राफ की, एक तो साइन थीटा का और दूसरा किसका? कॉस थीटा का। इसीलिए सिखा रहा हूँ कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है और कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। इसको हेडिंग लगाएं आप लोग। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, साइन थीटा को मान लें वाई के बराबर, वाई बराबर साइन थीटा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वाई है वो वाई फलन है किसका? थीटा का। इसका मतलब है कि वाई फलन है थीटा का। फलन का मतलब क्या होता है? फलन का मतलब ये है कि यदि हम थीटा के मान चेंज करेंगे इस इक्वेशन में, थीटा के मान चेंज करेंगे, तो वाई का मान भी उसके साथ साथ क्या होगा? चेंज होगा। जैसे थीटा जीरो रखोगे तो साइन जीरो कितना मिला? जीरो, मतलब वाई की वैल्यू कितनी मिली? जीरो। अब थीटा 90 रख दोगे तो साइन 90 प्लस 1 होता है, तो वाई कितना हो गया? प्लस 1। मतलब जैसे जैसे थीटा चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे वाई भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वाई फलन है किसका? फलन है थीटा का फलन है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि थीटा के कुछ मान लेता हूँ और वो थीटा के मान मैं समीकरण में रखूंगा और वाई के मान प्राप्त करूंगा, फिर वाई और थीटा के बीच में हम क्या कर लेंगे? ग्राफ बना लेंगे। चलो मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। इस टेबल में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इस टेबल में हम लोग लिखने वाले हैं क्या चीज? पहले थीटा के, ठीक है, और फिर हम लोग लिखने वाले कौन? साइन वाई बराबर साइन थीटा, वाई बराबर साइन थीटा। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू रखो आप लोग कितनी? जीरो डिग्री, या इसको रेडियन में लिखे तो जीरो रेडियन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आपको 90 डिग्री लिखना है, या इसको रेडियन में लिखे तो पाई बटा 2 रेडियन। फिर आपको लिखना है कितना? 180 डिग्री, या इसको रेडियन में लिखे तो
पाई रेडियन, फिर आपको लिखना है 270 डिग्री, रेडियन में लिखें तो 3 पाई बटा 2 रेडियन, और लास्ट में लिखना है 360 डिग्री। एक चक्कर पूरा हो गया हमारा, हमने वो एंगल लिए देखो कौन से, 0, 90, 180, 270 और लास्ट में 360 यानी कि हो पाए। ठीक है भाई, अब आप देखें जब थीटा हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 कितना मिलेगा, 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब जब थीटा 90 डिग्री रखोगे तो साइन 90 कितना होता है, प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, प्लस 1। और आपको पता है कि साइन की प्लस 1 से ज़्यादा कभी वैल्यू नहीं हो सकती, साइन की प्लस 1 से ज़्यादा कभी वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए ये इसका मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है। अब साइन 180 पे कितना होता है भाई, साइन 180 पे होता है 0। आप लोग इसको निकाल के देख सकते हो, जो अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट वाला सिस्टम बताया था उससे निकाल के देख सकते हो। साइन 270 होता है -1, और साइन में इससे कम वैल्यू कभी नहीं हो सकती, तो ये साइन की मिनिमम वैल्यू है। और फिर 360 का मान कितना होता है, 0। अब मैं इसे क्या बताता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स अक्ष पर तो मैं किसको मान लेता हूँ, थीटा को, और y अक्ष पर हम लोग अपना फंक्शन दे देते हैं, जो फलन माना है हमने y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ प्लस 1, और इतनी साइड नीचे जाके मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर -1। इस प्रकार से यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ कितनी, 0 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री, और यहाँ लिख लेते हैं कितनी, 180 डिग्री, यहाँ लिखते हैं कितनी, 270 डिग्री, और लास्ट में कितनी लिखते हैं, 360 डिग्री। अब आप देखें जब थीटा 0 था तो साइन 0, साइन की वैल्यू कितनी थी, फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, मतलब हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इस प्रकार से जब थीटा 90 था तो साइन की वैल्यू कितनी थी, प्लस 1, और अधिकतम थी 90 पे प्लस 1, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, गहरा हो गया। फिर 180 पे साइन कितना हो गया, 0, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 270 पे जितना ऊपर था उतना नीचे चला गया माइनस में, तो 270 पे ये वाला पॉइंट डार्क हो गया। फिर 360 पे कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, तो ये वाला पॉइंट डार्क, ठीक है। अब इनको आप लोग मुक्त हैंड से, फ्री हैंड से मिला दो, आप ऐसे देखिए साइन का ग्राफ बनता है इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा साइन का ग्राफ होता है, पहले मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ क्या है, मैक्सिमम है, क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ पर ग्राफ क्या चीज है, यहाँ ग्राफ मिनिमम है, क्यों मिनिमम है, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा रहा। और 0 पर, 180 पर और 360 पर ग्राफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। तो ऐसे साइन का ग्राफ बनता है, इसको नोट कर ले। अब आपको घर से क्या करके लेके आना है, आपको घर से एक काम करना है, आपको cos थीटा का ग्राफ बना के लेके आना है। इसका ग्राफ बना के लेके आना है, cos थीटा का ग्राफ खुद बढ़ा के लेके आना है, समय बढ़ा के, cos थीटा का ग्राफ समय बढ़ा के, सेम यही काम करना है। वाई साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा, थीटा के मान सेम यही रखने हैं, थीटा के मान सेम यही रखने हैं, लेकिन साइन थीटा की जगह क्या लगाना है आपको, कॉस थीटा लगाना है, और फिर देखना ग्राफ कैसा बनेगा। और वो जो ग्राफ आएगा उसका फोटो खींचना, और फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप पे आप क्या कर देना, सेंड कर देना, ठीक है। और जिनके आंसर आएंगे ना, उनके सभी के नाम मैं ग्रुप में आज डालूंगा कि उनके आंसर मेरे पास पहुंच गए, ठीक है। ओके जी।